हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन है होलिका दहन वाला दिन और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहा धोकर खाना बनाने की तैयारी लगभग कर दी थी। सब्जी बनाना, आटा गूंदना, वो सब कर दिया था। उस टाइम मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि नहाकर मैंने दूसरे कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि थोड़ा बहुत गंदे हो ही जाते हैं। तो अब होली पूजने के लिए जाना था, थोड़ा रेडी हो लेते हैं। और बाल मैंने सुबह ऐसे ही बंदे रहने दिए थे, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा गीले, लेकिन बहुत ज़्यादा गीले नहीं है, लेकिन हाँ वैसे बाल सही नहीं है, मतलब सूखे नहीं है पूरी तरह से। तो फिर मैंने यहाँ पर बालों को सही कर रही थी, थोड़ा सा रेडी वेडी हो रही थी। इसी बीच मेरा बेटा आ गया मुझसे बातें करने कि मम्मा ये किया, मम्मा वो किया। मैंने 2-3 बार वो कर लिया, पता नहीं क्या बता रहा था, मुझे कुछ बता रहा था, तो मैं उसकी बातें सुन रही थी। और यहाँ पर मैं थोड़ी रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग होली पूजने के लिए जाएंगे। होली पूजने से पहले मैंने फिर सोचा कि चलो अभी टाइम है, मतलब कुछ काम चल रहा था तो फिर मैं इस वजह से थोड़ा सा रुक गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम है तो मैं वो कर लेती हूँ, मतलब बाकी के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। होली पूजने के लिए तैयार हो ही रही थी इतने, फिर मुझे बनाना था खाना। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करूँगी, बस क्रीम लगाई और लिपस्टिक लगा लूँगी। नॉर्मल बेसिक क्रीम लगाती हूँ, मतलब कोई भी वैसी नहीं कि फाउंडेशन वगैरह वाली क्रीम लगा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आ जाऊंगी किचन में। किचन में मैंने प्रसाद बनाने के लिए, हमारे यहाँ आज के दिन ना हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा के लिए चूरमा बनता है, तो पूड़ी का चूरमा बनाया जाता है, तो फीकी पूड़ी बना के उसका चूरमा बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर वही बड़ी बड़ी 2 पूड़ियाँ लूँगी, बना लूँगी फीकी पूड़ी, क्योंकि आटा सबका अलग अलग लगाया था, फीकी पूड़ियों का अलग, उसका अलग। साथ की साथ मैं ना कचौड़ियाँ कुछ बना कर रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना कचौड़ियाँ थोड़ी ठंडी खाना पसंद करते हैं, मतलब कि शाम के टाइम जैसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। तो मैं साथ के साथ कचौड़ियाँ भी बनाती जा रही थी, क्योंकि जब गैस चढ़ाई है तो 2-4 काम और भी कर लेने चाहिए। और अब ये पूरियाँ ठंडी हो गई, तो इनको मैं टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी में पीस लूँगी, थोड़ा सा ना दरदरा सा पीसना है, एकदम बारीक तो नहीं करना है, मिक्सी में डालकर पीस लूँगी और उसके बाद इसमें मिला दूँगी बूरा। तो ये सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से चूरमा बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। और ये पूरियों को मैं एक तरह से मिक्सी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा दरदरा करना है, तो बीच बीच में रुक रुक कर चला के उसके बाद दरदरा कर लेंगे और रेडी कर लेंगे। और उसके बाद मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए, जो भी पूजा पाठ करनी होती है होली की वो करनी है। तो बच्चों के डैडी करके चले गए थे, तो फिर मैंने बचा हुआ जो करना था वो मुझे भोग भोग लगाना, खाना पीना बन चुका है लगभग, तो वही सब कर रही थी। और पूजा जो भी मेरी छोटी मोटी जो भी मैं पूजा करती हूँ वो करूँगी, और उसके बाद फिर हम होली पूजने के लिए जाएंगे। तो मैं रेडी तो हुई ही, तो बस पूजा कर होली ही पूजनी है, तो वो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे।
तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जो भी मैं पूजा करती हूँ, आरती कर सब कर रही हूँ, उसके बाद चलते हैं। अब मैं आ गई यहाँ पर होली पूजने के लिए। अब आप होली को देखकर ये पूछने वाले हैं कि ये कैसी होली है। तो हम लोग ना घर पर ही रख लेते हैं होली, क्योंकि देहरादून में बहुत कम जगहों पर होली रखी जाती है, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत दूर दूर होती है। मतलब होली बाहर कहीं पूजने भी जाओ तो बहुत दूर दूर होती हैं। तो फिर कुछ सालों से, कुछ टाइम से हम लोगों ने अपने घर पर ही रखना शुरू कर दिया। तो पता नहीं क्यों, मतलब मन नहीं बना, मतलब कहाँ जाओ, कैसे जाओ, फिर बच्चों का साथ होता है तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए फिर हमने उसी साल से घर में ही रखना शुरू कर दिया, और यहाँ पर मतलब घर पे ही रख लेते हैं। तो भाई मन की श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कि हाँ भाई नहीं बाहर पूछ के आओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में होना चाहिए कि हाँ भाई हम दिल से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी ये देवरानी, हम दोनों पूजा कर रहे हैं, तो दोनों पूज लेंगे होली। और यहाँ पर कहते हैं ना, ये धागा जो वो होता है उसको लड़के ही तोड़ते हैं, मतलब लड़कियाँ नहीं तोड़ती हैं, तो वो कर रहे हैं। और बच्चों से भी मम्मी बोली कि छींटे लगवाओ, तो बच्चे भी छींटे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों को हम अगर जैसे संस्कार देंगे वैसे ही सीखेंगे वो, फिर आगे जाके वो नहीं करेंगे जब हम उनको नहीं सिखाएंगे। तो अभी से बच्चों को पता है कि भाई होली पूजती है, तो होली पर पूजा करते हैं, तो वो भी करते हैं, करने लग जाएंगे, मतलब समझेंगे पूजा पाठ ये सब। तो शैतानी भी कर रहे थे बच्चे सारे, और अब मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी। तो भाई ये मत कहना कि ऐसी होली क्यों रखी, पर हमारे यहाँ जैसे हम कर सकते हैं वो हमने कर ली, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं की। तो घर से बाहर एक है जगह, वहाँ पर हमने होली रख ली थी, छोटी सी होली रखते हैं, और इसमें साथ में अंदर बर्कुली भी रख देते हैं जो गोबर की बनी हुई होती हैं। आप सोच रहे हो कि इसमें सिर्फ लकड़ी की नहीं, अंदर बर्कुली रख के जो भी पूजा पाठ होती है वो कर लेंगे, घी गुड़ हल्दी से पूज कर। होली पूजने के बाद बहुत ज़ोर से लगने लगी भूख, तो हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि होली पूजते पूजते पूजा का काम होता है तो लेट हो ही जाते हैं। और हमें इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि बस जल्दी जल्दी पूजा करके फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ इंजॉय कीजिए। आप लोग भी खा लीजिए पूरी, कचौरी, सब्जी और रायता, साथ में गुजिया भी थी, वो मैंने नहीं रखी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो पूजा वूजा तो हो गई, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, आराम किया, उसके बाद मैं आपसे बातें करने आ गई। और अभी 5 बज रहे हैं, थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया भी था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब ऐसे तैयार होकर चूड़ी वूड़ी पहन कर, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम लोग पहनते नहीं। चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ना तैयार होना। ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ, बस सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, सिंदूर लगाना बेसिक नॉर्मली कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। और देखो देखते हैं ये व्लॉग कितना जाता है उसके बाद, और आगे बनाती हूँ कि नहीं पता नहीं, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और आपसे बातें करना मुझे आज बहुत अच्छा लगता है। और आप प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है तो। रात को गुजिया बनाते बनाते 12 बज गए थे, इतनी थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरी ड्रेस कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। मैंने ये पहना हुआ है, मतलब ये ऐसे पहना हुआ कुर्ती के साथ, ये स्कर्ट टाइप है, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और पूजा हो गई थी, होली पूज ली थी, 12 बजे तक पूजते हैं होली, तो होली वोली सब कर लिया था। उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ, पर आप पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब करना चैनल को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पहनना।